फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मीठी दलिया कुछ नए स्टाइल में। ये मैंने हाफ कप ड्राई रोस्टेड दलिया लिया है। ये ड्राई रोस्टेड है, इसको मैंने ऑयल या घी में फ्राई नहीं किया है। तो चलिए पहले इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने दलिया को पीस लिया है और इसका पाउडर रेडी हो गया है। अब हम इसको घी में 2 मिनट के लिए थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो चलिए फिर इसको हम घी में फ्राई करते हैं। ये मैंने पैन में घी डाल दिया है 1 चम्मच। अब मैं इसमें ये पिसा हुआ दलिया डालूँगी और इसको हम 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। ये 2 मिनट के लिए मैंने इसको घी में रोस्ट कर लिया है। अब हम इसमें दूध डाल देंगे। दूध मेरा एकदम नॉर्मल है। अब हम इसको बॉयल आए तब तक, इसका उबाल आए तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। इसका बॉयल आएगा तो फिर हम इसको बीच बीच में चलाएंगे। ये नए स्टाइल में आप दलिया बना के फ्रेंड्स खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगी। इसको हम फास्ट चलाएंगे ना, तेज चलाएंगे तो इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी, लम्स नहीं आएंगे इसमें। अब ये देखिए, इसमें बॉयल होने लगा है तो अब हम इसको लो फ्लेम में कर देंगे और इसे पकने देंगे। ये देखिए, इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसको लो फ्लेम में कर देंगे और ये इसे पकने देंगे। ये हमारी दलिया अब गाढ़ी होने लगी है और ये पकने भी लगी है तो इसको थोड़ी देर हम और पकाएंगे। और इसमें हम अब चीनी डाल देंगे। आपको कम ज़्यादा जो भी मीठा पसंद हो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चीनी डालिएगा। अब इसको हम चीनी घुलने तक पकाएंगे। अभी ये हमारी दलिया बनकर रेडी है, ये पक चुकी है और इसको लो फ्लेम में पकने में पूरे 15 मिनट्स लगे हैं। 15 मिनट में हमारी दलिया पक गई है। क्योंकि ये दलिया का पाउडर है मैंने बनाया था, इसलिए ये बहुत जल्दी पक गई है। तो चलिए अब इसको हम ऑफ कर देते हैं और निकाल लेंगे एक बोल में। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी दलिया बनकर रेडी है, बिल्कुल नए स्टाइल में बनी है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो आप इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा और फिर बताइएगा कि आपको ये दलिया कैसी लगी। ये देखिए, ओके, बाय बाय।